फ्रेंड्स, आज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढावा स्टाइल तरी वाले चिकन। तो जिसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस तरह से ढावा में थिक ग्रेवी में तरी वाले चिकन बनाते हैं। तो मेरा कढ़ाई यहाँ पे चढ़ चुका है, इसमें मैं यहाँ पे तेल डालूंगी। तेल हमने सरसों का लिया है, चूंकि सरसों के तेल में अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और ये तेल मेरा गरम हो रहा है, इसी में मैं डालूंगी कुछ खड़े मसाले। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे चार ताज पत्ता डाल रही हूँ और उसके बाद चार से पांच सूखा लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी ली हूँ दो टुकड़ा और दो बड़ी इलायची ली हूँ, ये थोड़ा सा चटक जाएगा। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 केजी चिकन लिया है। ये देख लीजिए, 2 केजी चिकन है, इसको मैं मैरिनेट करके रखी हुई थी पहले से, ताकि हमारा रेसिपी जल्दी बन जाए। तो ये 2 केजी चिकन है, इसमें मैं हाफ कटोरा, जिससे हम लोग जनरली घर में दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, उससे दही और अदरक लहसुन का पेस्ट 4 बड़ा चम्मच और हल्दी नमक डाल के मेरीनेट करके पहले से रखी हुई थी। और 2 केजी चिकन है, तो मैं यहाँ पे 400 ग्राम प्याज ली हूँ, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ठीक है, जो बनेगा ग्रेवी उसके लिए मैं एक सीक्रेट बताऊंगी कि क्या चीज़ से थिकनेस आता है, गाढ़ा बनता है। तो ये देखिए, हमारा चटक रहा है, इसी में मैं प्याज डालूंगी। तो ये देखिए, मेरा चटक गया है, जो खड़े मसाले मैंने डाले थे इसमें मैं प्याज डालूंगी और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करूंगी। इसको मैं भूनूंगी ताकि ये थोड़ा कलर आ जाए, जो गोल्डन कलर होता है, लाल कलर, उस कलर में आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज जो है गोल्डन हो गया है, किस तरह से भुना गया है। इसमें मैं नमक नहीं डाली हूँ, क्योंकि नमक इसलिए नहीं डाली हूँ कि हमको इसका थोड़ा कलर गोल्डन चाहिए होगा। अगर हम नमक डाल देते तो प्याज गल जाता और गोल्डन कलर नहीं आता। और इसमें मैं अब डालूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि मैं मैरिनेशन में भी डाली हुई थी। तो यहाँ देखिए, बड़े चम्मच से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, इसमें है अदरक लहसुन और हरी मिर्च, तीनों मिक्स है, इसका पेस्ट डाली हुई हूँ। इसको मैं कूट के डाली हूँ, आप चाहे तो मिक्सी के जार में पीस भी सकते हैं, दोनों का थोड़ा टेस्ट में अंतर भी आ जाता है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन, जो कि मैं पहले से मैरिनेशन करके रखी हुई थी, मैं आपको वीडियो में दिखाई भी थी। तो इसको मैं डालूंगी और इसके साथ भूनूंगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गया है और मिक्स भी हो गया है दोनों, जो मैं मैरिनेशन करके चिकन रखी थी और प्याज जो गोल्डन ब्राउन करके बना रही थी। और इसी के साथ मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी। तो ये देखिए, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर है, बड़े चम्मच से हमने लिया है। इसी के साथ मैं इसमें मिर्च डालूंगी। क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी कूट के डाली हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिए कि आपको कितना तीखा पसंद है। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप सूखा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सूखा लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून,
घर का कूटा हुआ है। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, तो मैं मैरिनेशन में भी डाली थी तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी मैं नमक, क्योंकि मैं नमक पहले भी डाली थी तो नमक इसमें बहुत नहीं डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक, कम ज़्यादा क्या खाते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कूटा हुआ काली मिर्च और जीरा का पाउडर 1 बड़ा टेबल स्पून, और इसको मैं 5 से 7 मिनट मिक्स करूंगी। उसके बाद कुछ मसाले और डालूंगी। इसको मैं ढक दे रही हूँ ताकि मसाला का जो खुशबू है वो बाहर ना जाए, इसी में बना रहे। अगर आप ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और क्या चीज़ इसमें सीक्रेट पड़ता है जिससे ढाबा में आपको ग्रेवी एकदम गाढ़ा और प्याज का पता नहीं चलेगा कि प्याज डाला हुआ है इसमें, तो आप एंड तक बने रहें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भुना गया है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी जो कि हमारा ग्रेवी एकदम गाढ़ा बनेगा ढाबा स्टाइल में। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 चम्मच बेसन भून ली हूँ, इसी से ढाबा में ग्रेवी को थिक किया जाता है, गाढ़ा किया जाता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी जो कि ढाबा में डालते हैं। तो होटल में क्या होता है कि पाउडर डाल देते हैं, ढाबा में क्या होता है कि जो कि खुद से तैयार करके डालते हैं। तो ये देखिए घर का पिसा हुआ, सिलबट्टे पे पिसा हुआ गरम मसाला है जिसको मैं इसमें डाल रही हूँ। गरम मसाला में सारा चीज़ है जो कि गरम मसाला में होना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, और डाल के 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा तड़ी वाला चिकन रेडी हो गया, बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में। कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है, और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा बना है। इसको मैं अब धनिया पत्ता से गार्निश करूंगी। और इसको आप रोटी पराठा पूरी या चावल जिसके साथ भी अगर आप पसंद करते हैं उसके साथ खा सकते हैं। तो ये ढाबा स्टाइल चिकन है, तड़ी वाले चिकन। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसा बना है। थैंक यू।